बेशक एक कॉलेज है पर मेरे परिवार लिए मक्का है। असी इतों आके बड़ा कुछ सीखा और मेरा बच्चा जब भी कितने असी कॉलेज के गेट को लंघे तो वह एक ही होंगे पापा एक मिनट लिए रोको। गेट के उत्ते बड़े सलीके नतमस्तक हो के जिदा आप गुरु घर से मत्था टेकते हैं नक् रगड़ के मत्था टेक के अगे लंघता से वह सुभा से। और मैं जो भी कहता भी जिन्ना कारज मेरे सर जीए नहीं रहना मैं देन नहीं दे सकता मैं जो कुछ पाया पापा जी की बदौलत है। मेरा गायकी का सफर ऐसे स्टेज तो शुरू होया। एक बारी मैं उन्होंने बिना दसे आके स्टूडेंट गैलरी बैठ गया सी क्योंकि मैनू नहीं लगता सी भी तू कलाकार है या कुछ गा भी लेना क्योंकि मेरे सामने नहीं गाँव सी। तो मैं जो उन्होंने इतने परफॉर्म करते वेख्या मैनू भी माड़े मन च खुशी हुई कि वाकई जे मेहनत कर रहे हैं तो ये कला तो हैगी है। गायकी के नाल नाल जिथे उन्हें कुछ होर किरतां भी पाइया तुसीं सारे यूथ बैठे हो मापिया के नाल जुड़ के रहना तो कोई शुभ दीप तो सीख सकते बिरो। असी कोई लैंडलॉर्ड फैमिली तो बिलोंग नहीं करते। मैं 5-7 किले वाला एक सधारण व्यक्ति सी और मेरा विश्वास सी भी जदों मैं मेहनत के नाल बच्चे नूं पढ़ाऊंगा तो यह जरूर कामयाब होगा। यकीन करो मैं कदे शुभदीप की समेस्टर की फीस कदे तनखाह चो जां कितों भरी नहीं सी। मैं जो खेती का पैसा मेरा आढ़ती कोल जमा हो जाता तो जदों इन्हें पैसे मंगने पापा फीस लेके जानी मैं कहना पुत्र आढ़ती बैठा ले जा जिन्हें चाहिए है। वो मेरा एक मोटिव हों भी एक तो इन्हों पता लगेगा भी जो मैं पैसे फड़ के लेके जा रहा मेरे प्यो का कर्ज है। वो चीज़ ने इन्ना वो व्यक्तिगत जिंदगी पर प्रभाव पाया। एक तो उन्हें कदे फजूल खर्ची नहीं की दूजा उदो पैसा खर्च होंदा ही नहीं सी। करोड़ों रुपए कमा के भी तुसीं देखो जो हुण उहदी 29-5 नूं मौत हुंदी है तो साढ़ा 4 तरीक तो उत्थों विश्व टूर सी जिहड़ा 1.25 करोड़ रुपए उहदा शो दी प्राइस तो करोड़ों रुपए कमाउण वाला बच्चा भी जदों अपने मापे नूं कहिंदा बापू दे 5000 रुपये मैं शहर जाणा जां मैं कोई चीज़ लेके आउणी है और केरा मंग के पैसे लेने हैं और आके जो है मैं मुठ्ठी च दे देना आ बच्चा फड़ ला। वो जो मैंने कहना भी जो मेरे को तुरै फिर ATM है मैं परस रखने की लड़ है। 28 साल का होकर चला गया उन्हें अपनी जेब च परस नहीं रखे ये उदा सुभास रात को 12 बजे आवे 1 बजे आवे। मैं जो अपने कमरे च पिया उन्हें पहला 15 मिनट मेरे नाल पैण फिर आपकी माँ ना बैठा जा इन्हें रोटी पानी खवानी। मैं सवेरे जो उठना माता ने चाह लेके जानी चाह भरे रखने पहला मेरी कुकर 15 मिनट नाल जिमें कोई छोटे बच्चे सौंदे मतलब वह निजी रोज का सुभाष। सो भीरो इस करके जी कल्ली मौत हुई होंगी मैं इनू परमात्मा का हुक्म है ना जो साह मिले उ अपन मिलते थे पर जिस तरह का वह पतीरा सी जिमें वह साढ़े बिच रहिंदा सी अमलियां मूंह तोड़ लगती है जो सच जान के मेरे भैन भरा सारे बहुत औखा एक पल भी कटना वो बगैर। मैं जदों का आया इतने घट्टो घट 8-10 बारी भावुक हो गया। मैं जो जिस जगह पर मैं जगह मारता मैं लगता कि आ खुद से बैठा कदे मैं लगता अगली स्टेज पर आके परफॉर्मेंस देना आऊगा हाले भी भुलेखे पेंदे। जे गेट के अगे बहना जीपा कारा लंघनी है कितने जो 2-3 कारा कट्ठी होनी मैं भुलेखा पेंदा रहा ये सिद्धू जी हो सकती है पर नहीं वह भुलेखा भावुक हो जाने। एक मौत होनहार बच्चे का चले जाना दूजा सरकारां दा बतीरा इन्हां चीज़ां ने
बहुत दुखी किया। हुण तुसीं कल दे देख रहे हो एक बदमाश की वीडियो नू सोशल मीडिया ते अपलोड किया जाता है, उस मरहूम बच्चे की छवि नू खराब करन दी खातर। जिन्नियां भी वीडियो चाहे उहदियां इलेक्शन टाइम दियां होण, चाहे उहदे कुसे गायकी सफर वेले दियां होण, कल दियां सारियां अपलोड कीतियां होईयां। कि इस तरह करना वो बदनाम हो जाएगा? पुत दी लाइना ने दो जो तुहाडे सामने रख लो। नाम इन्ना के कमाया तेरे जट ने, बदनाम नहीं होंदा सोनिए कह के गया जान लग्या। अखीर दे विच जदों उहने अपना सारा जिहड़ा गायकी का सफर शिखर के उत्ते भी चला गया सी, पर उहने कदे बाप का खेड़ा नहीं छड्डिया सी। आम स्टेजां दे उत्ते मैं उहदे नाल विचरिया, असी बाप प्यो पुत सी, पर असी भरावां वांगू विचरिया। 5-6 साल हर एक स्टेज के उत्ते माण ना कहना, लोगों पिछे हुंदी आ मढीर पाड़े दी, मेरे पिछे खड़ा मेरा प्यो हुंदा। मैं सारे यूथ नूं बेनती करदा कि तुहाडा सब तो वड्डा यार तुहाडा प्यो है, भुलेखे ना खा लिओ। मैं अपनी 57 साल की जिंदगी का तजर्बा सूँ एक मिनट च बयान करके जाना। मैं जब तक अपने पुत दे नाल परछावा बन के रहा, किसी की माड़ भैड़ी नज़र की हिम्मत नहीं हुई भी साढ़े उत्ते हमला कर दिंदा। दिल्ली असी बूथ कुट कुट के आते रहे, तो शो लाते रहे हैं। कनेडा तक असी चैलेंज करने के बावजूद शो ला के आते रहे, क्योंकि साडा प्यो पुत्तां दा तुरन तो पहला यह सी भी पुत तू पिछे रह, पहला मैं मरूंगा, उस तो बाद तेरे कोल अगली गोली आऊगी। पर मैं बड़े दुख नाल कहना एक गल, लास्ट वाले दिन जिहड़ा कदे सिद्धू अपनी माँ तो कद थले टिक्का लवाए तो बिना कदे गड्डी च नहीं बैठिया सी, उस दिन माँ भी बिजी हो गई, प्यो भी बिजी हो गया, क्योंकि बाहर किते जाना नहीं सी। 5-1 बजे मई का महीना होंदा, गर्मी का सीजन होंदा, बस उहदी रात उहदी 5-6 बजे निकलदा घंटा, जां मोटर ते बह गया, जां शहर कुछ गेड़ी लाउण चला गया, बस इदां दे टाइम पास वाली गल सी। मैं भी कोले हो के गैर हाजिर हो गया, वो गैर हाजरी अज तक सीने च तड़क दिया। शायद मैं नाल हुंदा तां हो सकदा जख्मी हो जांदे, जां मैं शहादत प्राप्त करता मैं बचा लैंदा कि मैं। पर कहिंदे आ ना कल्ला ना होवे पुत जट दा, कल्ली होवे ना बणा दे विच लकड़ी, इह कहावत साडे ते फिट बैठ गई वीरो। बच्चा कुछ पले लई कल्ला छड्डिया ते मुड़ के मेरे हाथ नहीं लग्या, पर मैं दुश्मनों नूं अज भी इस स्टेज तो भी ये गल दसनी चाहुंदा भी असी कमजोर हले भी नहीं पाए। तुसी सिद्धू नूं एक व्यक्ति समझदे होवोगे, एक लड़का समझदे होवोगे। सिद्धू एक सोच सी, सिद्धू एक दौर सी जो चलिया, और आ यूथ दे विच उन्हें आने वाले समय के गजदा रहना है।